आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। और आज मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आपको लेकर आए आपके समक्ष लेकर आए एक नया मुद्दा। पर नए मुद्दे में सबसे रोचक चीज़ क्या है कि लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है और लाइब्रेरी है धर्मपाल चंद्रा जी की। ओल्ड चंद्रा लॉज के नाम से भी पहले ये जगह प्रसिद्ध थी, लेकिन अब ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुकी है। इस लाइब्रेरी की क्या खासियत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या विजन है, इसी के बारे में जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं धर्मपाल चंद्रा सर। सर स्वागत है आपका हमारे सिटी चैनल में। धन्यवाद जी, आप हमारे इस लाइब्रेरी में आए और आपने इसका वीडियो बनाने का प्रयास किया और इसके लिए हम आप सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं, सिटी चैनल का भी। और जैसा आपने कहा कि इसका लाइब्रेरी का क्या मकसद है आपका और जो लॉज था उसको बंद करने का क्या मतलब है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी, हम पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे इसकी लॉज की कुछ इनकम की हमें ज़रूरत थी, लेकिन अब हम पूरा परिवार हमारा सक्षम हो चुका है और हमें अब कोई इसमें ज़्यादा पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे माता पिता भी कुछ थोड़ा बहुत उस टाइम अपने समय में सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे सामाजिक कार्य हैं उसमें रहते थे, उसमें लगन थी उनको भी, तो हमने सोचा कि इस लॉज को बंद करके इसमें पूरे परिवार ने ये निर्णय लिया कि इसमें हम एक लाइब्रेरी खोल लें जो मतलब हमारे माँ बाप का भी सपना पूरा करे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको भी पूर्ण करें। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हम सोचते हैं, जो मेरा अपना विचार है, वो मेरे विचार में मेरे दो भगवान हैं, एक ने जन्म दिया जो मेरे माता पिता है, उन्होंने जन्म दिया और हम बहुत गरीबी में पले बड़े हैं और बहुत मुश्किलों से सामना किया और माँ बाप ने हमें बहुत कठिनाई से हमें पढ़ाया लिखाया और ऊपर पहुँचाया। उसके बाद हमारी जो बहन है प्रवीण चंद्रा, वो स्पेशली एबल्ड है, वो डीसी ऑफिस में गेजेटेड सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए हैं, तो मेरे माँ बाप के बाद जब उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने भी उस चीज़ को हमें सपोर्ट किया और पूरे परिवार के सहयोग से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम समाज के कुछ उत्थान के बारे में, जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के बारे में कुछ सोच पाएँ। तो इस मकसद से हम यहाँ इस लाइब्रेरी की हमने शुरुआत की है। दूसरा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिए और जो हमें पढ़ने का एक अधिकार दिया, तो उसी करके आज हम इस अहदे से, मैं रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर हूँ और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से मैंने सेवानिवृत्ति हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऊंचे पद पे मैं पहुँच के हुआ हूँ अपने हिसाब से, तो अब इससे ज़्यादा कोई इच्छा होनी भी नहीं चाहिए। तो एज ए पे बैक टू द सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए बाबा साहब की जो विचारधारा थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो, है ना, तो इसको देखते हुए उनकी विचारधारा को लेते हुए बाबा मतलब ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता सा फातिमा शेख और बाकी भी जो जितने महानुभाव हुए उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्य शुरू किया है। तो हम सोचते हैं कि इससे जितना भी नॉमिनल हम बहुत कम से कम फीस रखेंगे ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो यहाँ आके पढ़ें, और इसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें जो भी सहूलतें हैं वो दे पाएँ। तो यहाँ सारी कंपटीशंस की किताबें हैं जो भी बच्चों के लिए, सिविल सर्विस से लेकर दूसरे नीट वगैरह जो भी वो करते हैं उनको वो यहाँ किताबें उपलब्ध हैं। उसके अलावा भी इनको कोई और किताबें चाहिए तो हम फीडबैक लेते हैं और उनको किताबों को हम उपलब्ध करवाते हैं। हर एक बच्चों के लिए अलग अलग डेस्क बने हुए हैं, 5G की इसमें कनेक्टिविटी है और हर करंट अफेयर हमारे आते हैं 3-4, हर अखबार आती है हमारे पास, 3-4 अखबारें आ रही हैं हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में भी, और कंपटीशन के भी हिंदी मीडियम से भी है, हिंदी माध्यम की भी किताबें हैं और अंग्रेज़ी के माध्यम की किताबें हैं। AC लगे हुए हैं पूरे और पंखे लगे हुए हैं
प्रॉपर वाशरूम है, आरओ की फैसिलिटी है, पूरा शुद्ध पानी यहाँ दिया जाता है, और अगर लाइट चली जाए तो यहाँ इन्वर्टर की जो है पूरी सुविधा है। पूरा हमारा ये पूरा कम्प्लेक्स पूरे इन्वर्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर और ज़रूरत होगी तो जो फीडबैक हमें आती है उस हिसाब से हम इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। वैसे तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, इतने बड़े अहदे से रिटायर होना, डेफिनेटली शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है, बिना शिक्षा के आदमी इतने ऊंचे पद तक नहीं पहुंच सकता। और ये शिक्षा और ज्ञान, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हर युग में सर्वप्रिय थी और सर्वोच्च स्थान इसे दिया गया, चाहे वो युग की बात हो, कल की बात हो, आज की बात हो या फिर कल की बात होगी। सर इसके साथ साथ बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने बताया कि बड़ा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अरेंज किया है, और इसके साथ साथ कई किताबें हैं जो ऑलरेडी यहाँ रखी गई हैं और नहीं होती तो आपको नोटिफाई करना पड़ता है कि ये किताब मंगवाई जाए, तो वो कितने दिन में उपलब्ध हो जाती है अगर कोई बच्चा आता है? हाँ, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये किताबें हमारे पास जो डीलर हैं चंबा में भी हैं, बुक सेलर्स और धर्मशाला में भी हैं, तो अगर कोई बच्चा डिमांड करता है तो हम उनको जब फ़ोन करते हैं तो वो बस में हमें भेज देते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन हमें किताबें उपलब्ध हो जाती हैं। दो से तीन दिन मिनिमम लेके चले? बिल्कुल, दो से तीन दिन में हमें ये किताबें उपलब्ध हो जाती हैं। और मैं आपसे एक थोड़ा सा एक और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी को हमारा एक ट्रस्ट चला रहा है, जो मैं बीच में बताना भूल गया था, वो ट्रस्ट हमने अपने अम्मा बाबू जी के नाम से शुरू किया है, विद्या महेश चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये पूरे परिवार ने इसको एक निर्णय लेके इस ट्रस्ट को शुरू किया है और पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। और जो भी इसमें कभी हमारा मकसद कमाने का नहीं है, लेकिन मान लो कहीं पैसा बचता है तो वो ट्रस्ट में जाएगा, ताकि हम कोई और एक्टिविटी जो है, कोई और दूसरा काम समाज के लिए शुरू कर पाएँ। तो इस तरह हमारी सोच है और आगे देखते हैं कितना कर आगे चलते हैं, लेकिन इरादा है कि हम कुछ गरीब और समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा इरादा आपका। इसी के साथ मैं देखूंगा प्रतियोगिता दर्पण आपने रखी हुई है, जो करंट अफेयर्स पे महीने का हो, साल का हो, इसके अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बच्चों को अलग अलग अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आदमी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है वो समझ सकता है इसका महत्व। ये अखबार नहीं, ये आवाज़ है। और इसी के साथ रोज का करंट अफेयर्स अप टू डेट अगर रखना है आपको, तो अखबार बहुत बड़ा महत्व और रोल प्ले करता है। और इसके साथ द हिंदू अखबार हम देख सकते हैं यहाँ पे, और अक्सर कहा जाता है जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम जितने भी कोचिंग क्लासेस होती हैं या जो लोग जो इसके बारे में बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं वो हमेशा द हिंदू अखबार पढ़ने की जानकारी देते हैं। और हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में द हिंदू और हिंदी के अंदर द अमर उजाला अवेलेबल है, ताकि बच्चे गो थ्रू हो सकें करंट अपडेट से, कोई जानकारी चाहिए, कोई हायरिंग आ रही है, कोई भर्ती आ रही है, उसके बारे में जान सके और अप्लाई कर सके। पंजाब केसरी भी है, ये है आपका जनरल अवेयरनेस के लिए, प्रतियोगिता दर्पण है, तो इस तरह से कई हम ने करंट जो मैगजीन्स हैं वो रखी हुई हैं, जो मंथली हैं, पीरियडिकल्स आते हैं, कोई क्वार्टली हैं, और भी जब ज़रूरत होगी। अभी हमने दो दिन पहले ही ये खोला है, इसका उद्घाटन मैंने कोई ऐसे सेरिमोनियल नहीं किया है, इसको ऐसे ही हमने शुरू कर दिया है, तो अभी तो शुरुआत ही है, तो देखते हैं जैसे जैसे बच्चों की फीडबैक आएगी वैसे वैसे हम इसको और इसमें सुधार करेंगे और जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी आप देखो कि जितना भी हमने ये यहाँ फोटो फ्रेम्स में लगाया है, इसका मकसद यही है कि बच्चों में थोड़ा सा इंस्पिरेशन आए, इनको मोटिवेशन हो कि नहीं ये लोग जो हैं इतनी ऊंचे बने हैं, हमारे इतने लीडर्स रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस किया है, हम भी अपने जोर लगा के एक एक ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ेंगे और डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं कामयाब होंगे, वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो बच्चों से मेरा भी यही अनुरोध रहेगा कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना और कम से कम 8-10 घंटे आपको रोज़ पढ़ना, वो चाहे यहाँ पढ़ो चाहे घर में पढ़ो, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सर बड़ा अच्छा अच्छी आपकी मुहिम है, आपने जो लीडर्स की बात की, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की मैं फ़ोटो देख सकता हूँ, मिसाइल मैन भी कहा जाता है उनको, और बहुत बड़ी प्रेरणा सर हमारे लिए, पूरे भारत के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, उसके साथ साथ अन्य स्वामी विवेकानंद साहब हैं, इनकी इनकी विचारधारा से लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। लेकिन सर इसके साथ साथ सबसे मेन इशू रहता है कि कई लोग बोलते हैं कि उन्हें घर पे माहौल नहीं मिलता,
पढ़ाई का, तो स्पेसिफिकली एक जगह चूज़ करेंगे जो कि लाइब्रेरी कहा जाता है जिसको, उससे क्या होता है कि एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी हो जाती है, ग्रुप सर्कल भी बन जाता है पढ़ाई का, और बच्चे बड़े अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन सर एक जो आपने इशू बताया कि 2 से 3 दिन लगते हैं, मैं तो बोलता हूँ ये हर लाइब्रेरी का हिसाब है, किसी भी दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हो, हर जगह हर किताब नहीं मिलती, कोई मिस होती है या लानी होती है, तो बच्चे आपको एकदम से बताएं और 2 से 3 दिन में आ जाती है। अब बात करेंगे फ़ी की, कितनी फ़ी, क्या टाइमिंग्स रहती है लाइब्रेरी की, और कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसकी फ़ीस हमने नॉमिनल सी रखी हुई है, 700 रुपये पर महीना, 24 घंटे बच्चे आ सकते हैं, 24 आवर ओपन है ये। और यही पूछा आपने, कुछ और भी है सर? क्योंकि आज के ज़माने में किसी किताब का ही रेट 1000-1700 रुपये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 700 रुपये के अंदर उनको सारी किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की खासकर, और कोई नई भी मंगवानी वो भी अब अपने सिर पे जिम्मेदारी पे लेकर आते हैं, तो फ़ीस बड़ी नॉमिनल रखी है, बड़ा अच्छा उपराला है सर आपने शुरुआत की ये। जैसे मैं बताऊँ आपको कि मैंने धर्मशाला में भी लाइब्रेरी देखी है, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, तो मैंने यही देखा कि बच्चे चंबा के बहुत जाके धर्मशाला में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मेरे मन में ये आया कि बच्चे इतनी दूर से आके पढ़ रहे हैं, और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे धर्मशाला वाली लाइब्रेरी से, धर्मशाला से बेटर लगेगी आपको। मैं इसमें बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उनकी लाइब्रेरी भी देखी है, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी भी देख रहा हूँ, तो उनमें जो कमियाँ थी वो मैंने कोशिश की है कि यहाँ दूर करूँ, तो किताबें भी मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ले आने की कोशिश की है, इसमें कमी ना रहे, क्योंकि मेरा मकसद कमाना नहीं है, मेरा मकसद है कि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बाहर जाने के बजाय उनको उससे ज़्यादा बेहतर शिक्षा, उनको बेहतर माहौल वो यहाँ दे पाएँ, और उनको बेहतर किताबें जो भी लिटरेचर है वो हम यहाँ दे पाएँ, तो ये प्रयत्न रहा है। तो ये देखिए आप पूरी किताबों, ये कंपटीशन की किताबें हैं सारी, ये सारी ये इन्हीं के सिविल सर्विसेज की और दूसरे JET वगैरह के, ये सारी किताबें रखी हुई हैं, ये कंपटीशन के लिए हैं सारी किताबें। इसी में जानना ये भी चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं इनसे बात करना चाहेंगे, जानेंगे इनकी, इन्होंने जब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है और इनका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आपका नाम? सर सबसे पहले थैंक्स अ लॉट, आपने बोलने का मौका दिया, मेरा नाम याकूब खान है। मिस्टर खान मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ थोड़ा इस साइड आएंगे सो दैट कि मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊँ, कैमरे में भी आ सकें। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ पढ़ते हुए, बट हमें सिर्फ 2 मिनट चाहिए सर आपकी। सवाल क्या सर? सर सवाल ये है कि जब से आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की, आप तैयारी कर रहे होंगे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कैसा रहा सर आपका? सर सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पूरे चंबा में ये पहली लाइब्रेरी है जिसमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुल फैसिलिटीज़ हैं, और मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया और मैं एकेडमिक की तैयारी कर रहा हूँ, UGC नेट JRF की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि ये तो एक विजन है एक ऑनर का, लेकिन आप जब से यहाँ पर आए हैं और अभी तक कितना समय हो गया आपको? सर मेरे को हो गया इधर 3-4 दिनों से ये लाइब्रेरी ओपनली हुई है, बट मेरे को मंथली यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, एक मंथ से रह रहा हूँ इधर। तो आपको रिक्वायर्ड जो किताबें हैं? पहले मैं और लाइब्रेरी में जाता था ना, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और इधर एक हरदासपुरा में भी हमारे लाइब्रेरी, बट जब ये इधर खुल गई तो फिर यहीं मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे जो पर्याप्त किताबें चाहिए आपको तैयारी के लिए वो मिल पा रही है? जी सर, पूरे बच्चे खुश हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, रोज़ न्यूज़पेपर आते हैं यहाँ पर, और वाईफाई फैसिलिटीज़ हैं, AC है, और जो बेसिक नीड्स हैं लाइब्रेरी में वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, हम चाहते हैं आपका एग्ज़ाम, थैंक यू सर, जाना चाहते हो आप पहुँचो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए खान साहब। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम पल्लवी है, और सर मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में मतलब ज्वाइन की हुई है ना मैंने सर, और सर मेरे को यहाँ पे 20-21 दिन हुए ज्वाइन किए सर, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, सब कुछ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बुक्स वगैरह और सब कुछ मतलब यहाँ पे दिया जाएगा बच्चों को, और मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी सर। तो किस कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं अभी? सर अभी तो मैं UGC नेट की तैयारी कर रही हूँ। कैसा लगा आपको लाइब्रेरी, ठीक लगी? हाँ जी सर, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सारी फैसिलिटी है सर यहाँ पे। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब सब कुछ है यहाँ पे, बुक्स भी हैं, वाईफाई फैसिलिटी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है 24 आवर्स की, और 24 आवर्स के लिए खुली है, जबकि अमूमन लाइब्रेरीज नहीं खुली होती 24 आवर्स के लिए, इनका टाइमिंग रहता है। जी सर, सर सब कुछ है यहाँ पे, मतलब आपको
बच्चों को मतलब यहाँ पे फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई है, तो बच्चों को आना चाहिए सर यहाँ पे, मतलब ज्वाइन करनी चाहिए लाइब्रेरी यहाँ पे सर, सारी फैसिलिटी बच्चों को दी जाएगी। जी, विश ऑल द बेस्ट बेटा आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एम के लिए भी। थैंक यू सर। एक बड़ी रोचक इन्होंने बात बताई, बड़ी महत्वपूर्ण बात, 24 आवर्स ये लाइब्रेरी खुली हुई है। अमूमन जैसे हमने अभी बताया कि, और इन्होंने भी पहले बताया चंद्रपाल साहब ने, लाइब्रेरी का जो टाइमिंग होती है, हर कहीं इंडिया में आप कहीं चले जाएँ, अब्रॉड में भी चले जाएँ, तो सुबह खुलेंगे इवनिंग तक बंद हो जाएंगी। तो कई लोग होते हैं जिनको, जो बुक वॉर्म भी कहा जाता है, जिनको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा चस्का होता है, वो क्या करते हैं वो कि वो ढूंढते हैं कोई किताब मिल जाए, कहीं लाइब्रेरी मिल जाए, तो दिस इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पे आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। आपका जब मन करे पढ़ने को आप आ सकते हैं, किताब उठाएँ या बैठ जाएँ और स्टडी करें अपना, कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इसी के साथ सर बात करेंगे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसा कि धर्मपाल चंद्रा सर ने बताया कि यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, हम वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कहीं भी अगर आग बुझाने के बहुत काम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है अगर घर पे लगी हो किसी के। और इसी के साथ ये वॉशरूम फैसिलिटी है, इंग्लिश टॉयलेट सीट है, अच्छे स्टैंडर्ड का वॉशरूम बना हुआ ताकि कोई भी बेटी को, किसी बेटी को और कोई भी किसी भी स्टूडेंट को ईज़िली वो कम्फर्ट जोन में जाके यूटिलाइज़ कर सकता है इस फैसिलिटी को। और इसी के साथ साथ हम आगे आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे। जानना चाहेंगे, यहाँ दो फोटोग्राफ्स हैं, पोर्ट्रेट हैं, ये एक फातिमा शेख जी की और एक श्रीमती सावित्री बाई फूले की। इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान क्या है सर, यहाँ लिखा हुआ इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर, इंडियन एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आज की जनरेशन को। तो इनका जैसे आपने अंदर लाइब्रेरी में देखा कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे वो पहले शिक्षक रहे हैं 18वीं शताब्दी में, और बाबा साहब के गुरु मानते हैं बाबा साहब उनको। तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया पढ़ाने में लोगों को। इसी तरह इन्होंने अपनी पहले माता सावित्री बाई फुल्ले को पढ़ाया, अपनी वाइफ को, और वो फिर शिक्षिका बनी, और उन्होंने शिक्षा देने, लड़कियों बच्चियों की शिक्षा देने के लिए बहुत संघर्ष किया। और जब इनको एक ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी महात्मा ज्योतिबा फुल्ले और माता सावित्री बाई फुल्ले को, कोई, क्योंकि उस वक्त जाति भेदभाव बहुत था, तो उनको कहीं भी घर से निकाल दिए थे वो। तो जब उनको कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी तो माता सावित्री बाई फुल्ले ने अपने घर में उनको शरण दी थी, और वो भी फिर जब इनसे पढ़े महात्मा ज्योतिबा फुल्ले से, तो ये भी एक शिक्षिका बनी। और पहली शिक्षिकाएँ जो हैं वो हमारी फातिमा शेख जी और माता सावित्री बाई फुल्ले रही, और शिक्षक जो है वो ज्योतिबा फुल्ले रहे। तो इनका योगदान तो सदियों, फिर इन्होंने कॉलेज खोले लड़कियों के लिए, हॉस्टल खोले, और आज तक वो काम कर रहे हैं, और समाज के लिए और भी बहुत काम किए उन्होंने, सत्य शोध समाज की एक संरचना की, उसके द्वारा लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की। तो उनके बराबर तो दुनिया में, मतलब हमें नहीं लगता कि भारत में उनके बराबर कोई इंसान पैदा हुआ है। सर, उनके योगदान के लिए बड़ा आभारी हैं। कहा जाता है जब एक
वुमेन एजुकेट होती है तो उसके द्वारा पूरी एंटायर फैमिली एजुकेट होती है और पूरा कुटुंब और पूरा देश वो एक, क्योंकि औरत आगे उसके जो प्रोजिनी है, जो आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो माता के द्वारा ही चलती है ना। तो अगर माता शिक्षक होगी तो बच्चियाँ भी शिक्षक होगी, अगर माता अंधविश्वासी होगी तो बच्चियाँ भी अंधविश्वासी होंगी। क्योंकि जैसे पेड़ है, अगर छोटा सा पौधा हम लगाते हैं उसको जैसे आप मोड़ दोगे, उसका अगर बोनसाई बनाना चाहो, टेढ़ा मेढ़ा करना चाहो तो तारे लगा दो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दो, अगर उसको सीधा करना चाहोगे, अच्छी खाद दोगे, अच्छा उसको पानी दोगे, उसका देखभाल करोगे तो पौधा बहुत सुंदर निकलता है। इसी तरह बच्चों का है, बच्चे जैसे वो माँ के ऊपर जाते हैं क्योंकि बाप कमाता है रोजी रोटी, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन घर में माता के साथ जो है बच्चे सदा रहते हैं, तो ये इनका बहुत योगदान रहा है। तो हमारे भी यही प्रयास है कि हम जो हमारी शिक्षिकाएँ जो बच्ची हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आधी आबादी को अगर हम भूल जाएंगे तो समाज को हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो हमारी महिलाओं की जो आधी आबादी है हमें उसके बारे में भी बहुत गहराई से सोचना पड़ना, उनको कैसे सक्षम करेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे, उनको कैसे आगे ले जाएंगे, ये बहुत सब पूरे समाज का ये दायित्व है और हम हल्का सा इसमें प्रयास कर रहे हैं इसको करने का। सर बड़ी अच्छी सोच है आपकी, सोच का अगर हर नागरिक हो जाए इस देश की देश का तो देश की काया ही पलट जाए। वैसे पलट भी रही है, अब बेटियां आगे आ रही हैं, नाम कमा रही हैं, पूरा अपने देश के अंदर नाम रोशन कर रही है, अपने परिवार का, अपने समुदाय, अपने समाज का। सर इसी के साथ बात करेंगे हम, आपने बात की थी कि जो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ रहती है, तो हम दिखाएंगे आपको जो इन्वर्टर फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं जो भारत का संविधान यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी ही यूनिक चीज़ यहाँ जो लिखा सर ने लगाई हुई है। और इसी के साथ हम आगे आपको दिखाएंगे लाइब्रेरी के, तो जैसे कि धर्मपाल चंद्रा सर ने बात की थी कि यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसी की बदौलत ये कार्य को पूरा हो पा रहा है। क्योंकि जब लाइट अगर बाई चांस वैसे जाती तो नहीं, अगर चली गई तो तुरंत ही सर करें, ये इस फॉरेस्ट की एब्रीविएशन में 5 लाइनों में ये पूरा हमारा जो है ये इकोसिस्टम इसमें समा जाता है। बोलो बोलो बोलो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज जो यहाँ दिखाया जा रहा है, फॉरेस्ट, F for food, O for oxygen, R for rain, E for eco balancing, S for soil conservation और T for tree, इन्हीं के द्वारा हमारा पूरा का पूरा एंटायर इकोसिस्टम बनता है, इनके बिना हम नहीं हैं, इसको कंजर्व करना। पीछे तो बहुत सारे पोर्ट्रेट और पिक्चर्स लगी हुई हैं महात्मा बुद्ध जी की भी, जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। सर ये बड़ी यूनिक पिक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये परिवार में माता पिता की पिक्चर से अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ ये मेरे पिताजी हैं, ये भी वन विभाग में थे, डिप्टी रेंजर रिटायर हुए हैं उप वन राजिक, और अपने समय में इन्होंने बहुत मेहनत की है। और एक बार इनकी पांगी में जब पोस्टिंग हुई तो 5 साल के बाद वापस आए थे ये, एक बार चले गए और वहाँ से ट्रांसफ़र के बाद ही वापस आए थे, तो 5 साल ये घर नहीं आए हैं क्योंकि आने जाने की उस टाइम वैसे भी बहुत दिक्कत थी। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, वैसे ही मेरी माता जी ने बहुत संघर्ष किए हैं। तो साथ में ये जैसे मैंने पहले बताया कि सोशल उसमें भी बहुत ये जितना कर पाते थे अपने उसके हिसाब से, है ना, तो वो करते थे उस टाइम। तो आज भी फिर हम यही सोचा कि भाई आज हम अगर यहाँ पहुँचे हैं तो उन्हीं के कारण पहुँचे हैं। तो हमने फिर इनके नाम से एक छोटा सा ट्रस्ट खोला, पूरे परिवार ने ये फैसला किया कि चलो उनका नाम भी बना रहे और उस जो पैसा आएगा वो कहीं और समाज में और लग जाएगा। तो जो रिटायरमेंट के बाद आदमी वैसे भी बेकार क्यों बैठना, तो अगर इन एक्टिविटीज़ में हम इन उसमें व्यस्त रहें तो समय भी अच्छा निकलता है और चलो कुछ लोगों का इसमें भलाई भी हो जाती है। तो ये सोच के हमने एक विद्या महेश चैरिटेबल ट्रस्ट का शुरुआत की थी और आज इस पहली इनके नाम से लाइब्रेरी शुरू किया है। तो देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ हम करते हैं, क्या कर पाते हैं, तो यही है इनका। सर ये बड़ी आपने जो श्रद्धांजलि दी है अपने माता पिता को समर्पित किया है, एक मोटिव, एक विजन
जो बहुत बच्चों की ज़िंदगी को रोशन करेगा, खासकर शिक्षा। शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ बुक्स हैं, ये ज्ञान का सागर है जहाँ हम आपको लेकर आए हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण जगह, अगर इसका सही तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और हम हमेशा कहते हैं कि पैसा कभी बाधा नहीं बननी चाहिए किसी भी बच्चे को शिक्षित होने में। जी बिल्कुल, ये शिक्षा कहा ना आपने कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा, बाबा साहब ने कहा है जो पिएगा वो अवश्य दहाड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक ताकत है, शिक्षा होगी तो आप किसी के आगे भी आंख से आंख डाल के आप बात कर सकते हैं और आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं, आप आगे रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी है, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ ना कुछ अपने पेट पालने के लिए करेंगे और इज्जत से करेंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो चाहे उसके साथ साथ एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ हमें सामाजिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कोई भी समाज हो, है ना। तो उसके लिए हमने कैसे समाज में रहना है, डिसिप्लिन रहना है, वो एक समाज की जो व्यवस्था है, शिक्षा जो है वो उस हमारे, हम इतिहास पढ़ते हैं जो जिसको बोलते हैं सामाजिक इतिहास, तो अगर वो पढ़ेंगे तभी तो हम इतिहास लिखेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से लिखेंगे। तो ये शिक्षा होलिस्टिक वे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। आप खाना कम खाओ लेकिन शिक्षा ज़रूर हासिल करो। तो मेरा अनुरोध जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी यही रहेगा कि आप चाहे रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि बाबा साहब भी अगर पढ़े हैं तो बहुत उनके माँ बाप ने भी बहुत मतलब कठिनाइयाँ सहन की हैं। तो आज भी जो बच्चे हम देखते हैं कि मज़दूरों के बच्चे सिविल सर्विस में ज़्यादातर, जैसे आपने बात की कि लड़कियाँ टॉपर हो रही हैं, तो ये सब पढ़ाई की वजह से है। जो आदमी डिसिप्लिन में रह के एक पहले अपना गोल एक बनाए और ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके ऊपर मेहनत करे, मेहनत के साथ डिसिप्लिन रहे, तो मैं कहता हूँ ज़रूर उसको कामयाबी मिलेगी। और सर शिक्षा पे सबका अधिकार है, कास्ट, कलर, क्रीड, समाज, समुदाय, सबका इस पर शिक्षा पे अधिकार है, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। जब शिक्षित भारत की बात करेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और सर आपके पास जब कोई आना चाहे कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, फ़ोन पर जानकारी ले सकता है मिलने से पहले, कि लोग दूर से भी आते हैं सर, अब चंबा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है सर एरिया वाइज। तो इसमें हमने एक तो हमारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं चंबा में, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7807511951, ये तो मेरे ऑफिस का नंबर है, और मेरा पर्सनल नंबर है 7807521951। तो ये दो नंबर हैं जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सर आपने प्रिंटर की फैसिलिटी भी रखी हुई है यहाँ पे, प्रिंटर भी अवेलेबल है? हाँ, कमर्शियल प्रिंटर है, इसमें स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है, और इसमें ईमेल्स भी, सब कुछ इसमें फैसिलिटीज़ हैं। तो ये भी बच्चों को अगर एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई है, अगर बच्चे अपनी कोई लिटरेचर से या कोई बुक से कोई प्रिंट करना चाहे तो हम इसमें हार्डली 1 रुपये से या 2 रुपये में एक प्रिंट उसको करके दे देंगे, जबकि बाज़ार में 4 रुपये लेते हैं इससे। तो हमने एक ही एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी, जो कागज़ का, पेपर का जो, और जो इसमें स्याही का जो खर्चा है उसी के पैसे लेते हैं, बाकी हम उससे कोई नहीं। बड़ी अच्छी फैसिलिटी सर, मार्केट रेट से आपने कम रखे हैं यहाँ के रेट्स? बिल्कुल कम रखे हैं, बिल्कुल आधे से भी कम है ये, क्योंकि हम इसके सिर्फ पेपर और इसकी मेंटेनेंस के कॉस्ट ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उनको कोई सही स्थान नहीं मिल रहा, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। ये बिल्कुल शीश महल के कदमों, थोड़ा सा कदमों पे चलोगे तो उसके साथ ही आएगा, दुड़ोक महल्ले के पास भी कहा जाता है इसको, और ओल्ड चंद्रा लॉज जो कन्वर्ट हो चुका है आज लाइब्रेरी में। चंबा से अगर आप भरमौर रोड की तरफ, भरमौर चौक की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप आएँ, इसका लुफ्त उठाएँ, यूटिलाइज करें इस अपॉर्चुनिटी को और अपने सपनों को पूरा करें। हाँ बिल्कुल सही है, और हम प्रयास करेंगे कि इसको जितना भी ज़्यादा इम्प्रूव करें, और अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हमारे पास और भी जगह है, तो उसमें हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी सोच है कि इसको जितना ज़्यादा हम हो सके हम लोगों बच्चों को जो है सहूलत दें। सर MB प्रोडक्शन और सिटी चैनल
हमेशा अच्छी सोच के साथ है समाज की और देश की। तो सर हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने और आपने अपने विचार रखे सर। आपने भी समय निकाल के यहाँ आए हैं, और इससे क्या होगा कि शहर के लोगों को पता लगेगा कि कोई लाइब्रेरी चलो और भी कहीं खुली है, अगर उनको अच्छा लगेगा तो अवश्य आएंगे, नहीं लगेगा तो वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा एक फ़र्ज बनता था कि एक नया यूनिट खुला है तो हम आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनको अवगत कराएं कि भाई यहाँ एक नया यूनिट खुला है, लाइब्रेरी खुली है, उसका वो लाभ उठाएं।